आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस अभी भी 10 पीसेस किया है, 2000 into 10 pieces 20,000 बंद। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 रुपए का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। दोस्तों नमस्कार, तो आज हम ऐसे निर्णय के बारे में बात करेंगे जो 2016 में लिया गया था और 2023 में आके उसको जो है बंद करना पड़ा, उस निर्णय को जो है वापस जो है लेना पड़ा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 2016 में 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी का जिक्र किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा से और उस टाइम पे 2000 रुपये का नोट जो है प्रचलित में आया था। और बीते पिछले 3 दिनों पहले यानी कि 19 मई को वो जो है 2000 रुपये का जो नोट है उसको जो है आरबीआई ने वापस ले लिया, ये कहते हुए कि ये नोट जो है अब इस नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, इस नोट का जो काम था वो पूरा हो चुका है, तो अब जो है हम इस नोट को वापस ले रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए अंधभक्तों के लिए तो ये एक बात ऐसी है कि 2016 में शनिदेव ने प्रकोप लगाया था 2000 नोट के ऊपर में और आज 7 साल पूरे होने के बाद में जो है अब जो है शनिदेव वहां से हट गया तो 2000 नोट भी जो है वहां से हट गया। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हम तकरीबन 7 साल पीछे जाएंगे और रात 8 बजे क्या निर्णय लिया गया था उस निर्णय के बारे में पहले हम सुनेंगे जो कि है ये 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। रात 8 बजे एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने इकोनॉमी के ऊपर में, छोटे व्यापारियों के ऊपर में और जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके ऊपर में अच्छा खासा प्रभाव डाला और एक तरीके से बोला जाए उनको जो है ख़त्म करने का काम किया गया उस टाइम पे नोटबंदी के टाइम पे। लेकिन उस टाइम की मीडिया ने, उस टाइम के कुछ नेताओं ने ये कहा कि इस मूव से, नोटबंदी के इस मूव से ब्लैक मनी के ऊपर में रोक लगेगी और जो काला धन विदेशों में भेजा जाता है उसके ऊपर में रोक लगेगी और टेररिज्म फंडिंग के ऊपर में रोक लगेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीते कुछ दिनों में और बीते कुछ वर्षों में जो है हमें बहुत जगह ऐसे देखने को मिलता है कि कई जगह कई कई लाखों करोड़ों रुपए जो है कैश के फॉर्म में जो है हमें मिलते हैं और वो भी ओनली 2000 के नोट के फॉर्म में देखे जाते हैं और हमें पाए जाते हैं। बहलाल, हम अपने व्यूअर्स को इस नोटिफिकेशन के उदाहरण से ये बताना चाहते हैं कि आरबीआई ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी और आरबीआई ने इसमें कहा है कि 2018-19 में जो है 2000 रुपए का नोट की जो प्रिंटिंग थी वो हमने बंद कर दी थी, उस टाइम पे प्रचलित में नहीं थी, हमने 2000 रुपए का नोट जो है इसलिए मार्केट में लेकर के आए थे कि उस टाइम पर 500-1000 रुपए का नोट जो है डीमोनेटाइजेशन किया गया था और करेंसी की वैल्यू और करेंसी को मार्केट में बनाए रखने के लिए यानी कि कैश फॉर्म को मार्केट में बनाए रखने के लिए हम 2000 रुपए का नोट जो लेकर के आए थे। अब जो है हम इस नोट को वापस ले रहे हैं और 30 सितंबर 2023 तक जो है इन नोटों को बैंकों में जो है एक्सचेंज किया जा सकेगा लेकिन उसके बाद भी जो है लीगल टेंडर रहेंगे फिर भी। और 10 नोट जो है बैंक में जाके आप एक्सचेंज कर सकते हो, बैंक की जो स्लिप है उसको फिलअप करके, लेकिन स्लिप फिलअप करना ये मैंडेटरी है या नहीं है ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने
क्लियरली बोला है अपनी इस नोटिफिकेशन में कि किसी को भी स्लिप भरने की कोई जरूरत नहीं है, आप 2000 रुपए के नोट लेकर के आइए, एक दिन में 20 नोट हम आपको एक्सचेंज करके दे देंगे। अगर आप लोग अपने बैंकों में जमा करना चाहते हैं तो जो नियम कानून डिपॉजिट के होते हैं वही कानून जो है लगेंगे। अभी इस मूव को लेके जो है कांग्रेस के नेता सुप्रिया जो है सामने आती है और अपनी ये सारी बातें बोलती हैं। खिलाने आ गया है, फिर से नोटबंदी की बातें होने लगी है। 2000 रुपए का जो नोट है अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा और आपके पास 30 सितंबर तक का समय है। अगर आपके पास 2000 रुपए की करेंसी है तो आप जाकर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बार में मात्र 20,000 रुपए के ही 2000 नोट जमा किए जाएंगे अथवा बदले जाएंगे। एकदम से हड़कंप सा मच गया है क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों आज रात से तो हुआ क्या था, मोदी जी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को डिमोनेटाइज कर दिया था, मतलब प्रतिबंधित कर दिया था। ये अलग बात है कि 99% प्रतिबंधित पैसा बैंकों के पास वापस आ गया, 16,000 करोड़ रुपए मात्र आरबीआई के पास नहीं आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि नई करेंसी छापने में ही 21,000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए और एटीएम रिकैलिब्रेशन अलग से करना पड़ा। तो इससे मिला क्या, आपको समझाती हूं इससे क्या मिला। इससे मिला हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट आधा हो गया, 8.2 से 4.1 हो गया, 35 लाख नौकरियां तो तुरंत नष्ट हो गई, कल कारखाने लघु मध्यम उद्योग बंद हो गए। लेकिन मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अलग बात है कि 7 साल से नोटबंदी का नाम नहीं लेते हैं। उसके बाद अब आगे सुन लीजिए, पहले कहा गया ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी तो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, जबरदस्त ब्लैक मनी चल रहा है। फिर कहा गया कैश खत्म हो जाएगा, 17,74,000 करोड़ कैश था नवंबर 2016 में इकोनॉमी में, अब 37 लाख करोड़ है, डबल से भी ज्यादा। फिर कहा गया टेरर फंडिंग बंद हो जाएगी, अभी रजौरी और पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद हुए और मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते, वो अलग बात है, लेकिन टेरर फंडिंग बेधड़क चल रही है। और फिर अंत में कहा गया कि नकली नोट जो है वो बंद हो जाएंगे, 300 करोड़ से ज्यादा के ऊपर के 2016 से अभी तक नकली नोट भी पकड़ दिए गए। तो एक भी ऐसा परिणाम नहीं था, वहां पर भी निलबटा सन्नाटा है। तो अब मुझे सिर्फ ये पूछना है कि जो कुछ मीडिया के साथी कवर फायरिंग देने के लिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी और सारी पार्टीज को एक डायरेक्शन में चलना चाहिए, ये क्लीनिंग हो जाएगी, ये कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए, क्या हुआ, एकदम से ऐसा क्या हुआ। और एक बात मैं अंत में और कहना चाहती हूँ अपने मीडिया के प्यारे साथियों, बंधुओं, आज न चिप ढूंढना न इसको मास्टर स्ट्रोक बताना, नोट आए तब भी मास्टर स्ट्रोक, नोट ले जाया जाए तब भी मास्टर स्ट्रोक, न चिप भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। और थोड़ा सा अपनी विश्वसनीयता का ख्याल रखिएगा, वैसे तो बेच खाइए लेकिन कोशिश करते रहनी चाहिए। बात तो सही कही गई है, उस टाइम पे 2016 के टाइम पे 2000 रुपए के नोट के अंदर में जो एक नैनो चिप ढूंढी गई थी और ये बोला गया था कि 2000 रुपए का नोट की गड्डियां या नोट कहीं भी रखा होगा, जमीन या किसी भी ठिकाने में रखा होगा, उस टाइम पे जो है नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए उस नोट को या ब्लैक मनी को ढूंढा जा सकेगा। सुनिए भाई साहब क्या कह रहे थे। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि NGC तकनीक कैसे काम करती है। NGC के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है, इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। वाह क्या जानकारी शेयर की इन्होंने। लेकिन इसके बाद में जो है RBI सामने आता है और RBI ये इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, बोलता है कि 2000 रुपए के नोट में ऐसी कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी जो है नहीं। लेकिन इसी के चलते जो है अभी फिलहाल में जो शक्तिकांत दास जी जो है मतलब कि RBI गवर्नर जो है सामने आते हैं प्रेस के और ये सब बातें बोलते हैं। सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है
उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो, और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो, आप नेक्स्ट 4 सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए, या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है, ये इसका एक हिस्सा है। ये निर्णय जो है लास्ट टाइम का निर्णय, और ये निर्णय जो है क्यों लिया गया, अब जो मैं बातें बता रहा हूँ इसके ऊपर में कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, ये मेरा एक तरीके से अंदाजा है। ऐसा लगता था लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके पास में कैश की तरफ से जो है फंडिंग आती थी, फंडिंग एक तरीके से कहेंगे दान, चंदा जो है पॉलिटिकल पार्टीज के पास में आती थी, और उस टाइम के ऊपर में जो है पॉलिटिकल पार्टीज की कमर तोड़ने का काम किया था डीमोनेटाइजेशन ने, क्योंकि उन पार्टीज के पास में जो है पैसा जो है वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गया था, क्योंकि वो जो फंडिंग थी हर एक पार्टीज के पास में ब्लैक मनी के तौर पर रखी जा रही थी। लेकिन मैं क्लियरली मेंशन कर दूं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है मेरे पास में, ये एक तरीके से मेरा एक मानना है, एक तरीके से मेरा व्यू है। तो इस मूव जो लिया गया इसका मेरे ख्याल से यही मूव हो सकता है, क्योंकि अंत में इस साल के अंत में बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं, तो ये जो है मुद्दा है। और ये भी हो सकता है कि अपने देश में चल रहे मणिपुर हिंसा के बारे में कोई बात ना करे, जो रेसलर का प्रोटेस्ट है उसके बारे में कोई बात ना करे, कर्नाटका में जो हार हुई है बीजेपी की उसके बारे में कोई बात ना करे, और भी बहुत सारे मुद्दे अपने देश में, उन सब चीजों के बाद बात ना किया जाए, लेकिन माइंडसेट को एक तरफ हटा के जो है 2000 रुपए करेंसी के ऊपर में लाकर रख दिया गया। तो ये हमारा जो अभी तक का मानना था, आगे इसके ऊपर में कुछ अपडेट मिलेगी आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, छोड़े चले जा रहे हैं आपको इस एक इंटरव्यू के साथ में जो कि बीजेपी के नेता के साथ में है। तो आप बयान दे रहे हैं वो करें कि इसकी आवश्यकता ही क्या थी। अरे भाई, जब 500,000 का नोट बैन हो गया तो बदले में उनको मुद्रा देनी थी, और 500,000 का नोट छाप कर देना संभव नहीं था, तो इसलिए 1,000 का 2,000 का नोट मार्केट के अंदर लाया गया। और 2,000 के नोट को तो एक सूटकेस में 50 लाख लेकर आप जा सकते हैं, और अब तो 500 का नोट लेकर जाना पड़ेगा। तो ये डिजिटल इकोनॉमी का जमाना है, छोटी मुद्रा का जमाना है। अगर अमेरिका $100 के डिनोमिनेशन से मुद्रा से काम चला सकता है, तो भारत को 2,000 के नोट की आवश्यकता क्या है।